वेलकम फ्रेंड्स, रात्रि के 10 बज चुके हैं और आपकी DLED की क्लास शुरू हो चुकी है। आप लोगों की उम्मीदों को एक बार फिर से नया करते हुए आज हम DLED की क्लास को फिर से शुरू करेंगे, ठीक है ना। अगर अच्छा नहीं दिखेगा तो बता दीजिएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ एकदम क्लियर होगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम शुरू करेंगे एकदम स्टार्टिंग से, यानी कि गणित के इतिहास से, ठीक है ना। तो देखिए, आपको स्क्रीन पे सब कुछ क्लियर आ रहा है। अगर अच्छा नहीं दिख रहा तो जल्दी से क्वालिटी चेंज कर लें, बिल्कुल फुल HD क्वालिटी दिखेगा। DLED सेकंड सेमेस्टर की क्लास आप जानते हैं सोमवार और मंगलवार होती है, बुधवार बृहस्पतिवार थर्ड सेमेस्टर और शुक्र शनिवार को फोर्थ सेमेस्टर की क्लास होती है, ठीक है ना। फर्स्ट और फोर्थ सेमेस्टर की क्लास में थोड़ा सा मैनेजमेंट होगा, बाकी सेकेंड और थर्ड की क्लास जो है वो रेगुलर चलेगी। देखिए, आज हम शुरू करेंगे सेकंड सेमेस्टर में गणित का इतिहास। आप जानते हैं कोई भी चीज अगर होता है तो उसका इतिहास जरूर होता है, उसकी हिस्ट्री जरूर होती है ना, चाहे थोड़ा ही बहुत। तो गणित का बहुत बड़ा इतिहास है। आप जानते हैं, आपने मुगल का पढ़ा होगा काल, बाबर का काल पढ़ा होगा इतिहास में, ये सभी इतिहास में पढ़ा होगा, बहुत सारी लड़ाइयां हुई भारत में, ये सब पढ़ा होगा। उसी तरह से जो गणित है ना, मैथमेटिक्स, इसका भी काफी हिस्ट्री है, इतिहास है। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। कैसे? देखिए, यहाँ पे कुछ श्लोक लिखे गए हैं जो कि हमारे गणितज्ञ या फिर पहले के जो महान व्यक्ति हुए उन्हें के द्वारा वेदांग ज्योतिष में लिखा गया है। ध्यान से देखिएगा, यथा शिखा मयूराणम नगानाम मणये यथा, पूरा पढ़ते हैं तब सुनिएगा, यथा शिखा मयूराणम नगानम मणये यथा तद वदांग शास्त्राणम गणितम मूर्ति वर्धते। मतलब वेदांग ज्योतिष में लिखा गया है कि जिस तरह से मयूर के सिर पर, और मतलब मयूर के सिर पे क्या होता है देखा ना आपने, नाक के सिर पर क्या होता है, मणि। जिस तरह से नाक के सिर पर मणि विराजमान होती है और मयूर के सिर पर जो है शिखाएं होती हैं, मयूर के सिर पर शिखाएं होती हैं, वह सर्पों की मणियां शरीर में सबसे ऊपर मूर्ध पर यानी कि मस्तक पर होती हैं, उसी प्रकार वेदों के सभी अंगों तथा शास्त्रों में गणित जो है वो सबसे ऊपर है, ठीक है, समझ गए ना। गणित जो है वो सबसे ऊपर है, ठीक उसी प्रकार से जैसे मोर के सिर पर शिखाएं होती हैं और नाग के मस्तक पर सबसे ऊपर मणि होती है, उसी तरह से वेदांग में, वेदों में गणित जो है वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर माना जाता है। आगे देखिएगा, गणितज्ञ महावीरचार्य द्वारा लिखा गया एक श्लोक, इन्होंने लिखा है, बहुभिर प्रलापे किम त्रैलोके सचराचरे यातिकच्छत् अस्तु तत्सर्व गणितेन विना नाहि। मतलब देखिए, संस्कृत है, आप लोग कुछ कम स्पष्ट हो रहा होगा, ज्यादा हमें भी संस्कृत नहीं आती फिलहाल, लेकिन फिर भी कुछ तो पढ़ ही लेते हैं, तो आप लोग इसका मतलब समझ लीजिएगा। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, इसका मतलब पहले वाक्य से देखिएगा, बहुवीर प्रलापे किम, मतलब बहुत ज्यादा प्रलाप करने से क्या फायदा, बहुत ज्यादा चिल्लाने से क्या फायदा, त्रिलोक के सचराचरे याति किन्नादस्तु तत्सर्व गणितेन विना नाहि। मतलब इस संसार में जो भी चीज है वो गणित के बिना उसे समझ पाना संभव नहीं है। कुछ भी चीज आप एग्जांपल ले लीजिए, हमारे हाथ में एक पेन है, अगर गणित ना होती तो इसको हम कैसे गिन पाते कि कितनी पेन है, एक है ना, गणित से ही तो हो रहा है ना। अब हमने ले लिया ये इतनी पेन, अब अगर किसी को बताना है कि हमारे हाथ में कितनी पेन है, अगर सोचिए एक मिनट, गणित नहीं है तो आप कैसे बताएंगे कितनी है, आखिर गणित से ही तो बताएंगे ना। सुबह से लेकर शाम तक आप टाइम देखते हैं घड़ी में, कितना बजा, कितना मिनट हुआ, कितना सेकंड हुआ, इसका जोड़ घटाना गणित में ही तो होता है ना। बच्चे का जन्म होता है उसकी आप जन्मतिथि लिखते हैं, गणित में ही तो लिखते हैं ना। और बर्थडे मनाते हैं हर वर्ष किसी का भी, अपना, बच्चों का, बूढ़ों का, किसी का भी मनाते हैं, गणित में ही तो जोड़ते हैं ना कि भाई हाँ तारीख आ गई, बर्थडे आ गया, है ना। किसी की मृत्यु होती है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है तो उसका हिसाब किस में होता है, गणित में ही तो होता है किस तारीख को हुआ ना। कोई भी आयोजन, कुछ भी चीज, चर या अचर कुछ भी है अगर इस संसार में,
उसको समझना गणित के बिना मुश्किल है। यहां तक कि अगर आप अपने मकान का पता बताते हैं घर का, उसमें भी आप बताते हैं मकान नंबर फलाना फलाना, है ना, जैसे 72/2 बनारस रोड फाफा मऊ इलाहाबाद, मतलब इसमें देखिए गणित का प्रयोग हुआ ना। तो कुल मिला के इतना आप समझ लीजिए, कुछ भी चीज अगर इस संसार में है तो उसे गणित के बिना समझना संभव नहीं है। कुछ भी चीज, जैसे अगर आपको बोलना है कि हाँ मैं तीन भाई हूं या चार भाई हूं, आपने तीन चार बोला ना, ये भी क्या है, गणित ही तो है। मैं 18 साल का हूं, आपने 18 का यूज किया ना, 18 क्या है, गणित ही तो है। तो आप लोग कोई ऐसा जवाब कमेंट करें जिसमें गणित का प्रयोग ना हो, कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में गणित का प्रयोग होता है संसार में। कोई भी, जो भी वस्तु है, जो भी क्रियाकलाप है, उन सब में कहीं ना कहीं गणित का प्रयोग अवश्य हुआ होता है, ठीक है ना। तो इस श्लोक का यही मतलब हुआ कि बहुत ज्यादा प्रलाप करने से क्या मतलब, त्रिलोके सचराचरे याति कि दस तु सर्व गणितेन बिना ना ही, मतलब इस संसार में जो कुछ भी है वो गणित के बिना संभव नहीं है, ऐसा कहना है गणितज्ञ महावीराचार्य का। और वेदांग ज्योतिष में लिखा गया है क्या, यथा शिखा मयूराणाम नगानाम मणि यथा, मतलब जिस तरह से मयूर के सिर पर शिखाएं होती हैं और नाग यानी कि सर्प जाते हैं ना नागराज, उनके सिर पर मणि सबसे ऊपर होती है, उसी तरह से वेदों में गणित जो है वो सर्वोपरि है, सबसे उच्च स्थान है गणित का वेद पुराणों में, समझ गए ना। अब वेदों पुराणों की अगर बात ले लें, आप लोग काउंट करते हैं कितने श्लोक हैं रामायण में, कितने श्लोक हैं महाभारत में, कितने हैं, किसमें गिनते हैं, गणित में ही तो गिनते हैं ना, समझ रहे ना। तो महाभारत की बात ले लीजिए, आप लोग कहते हैं पांडव 5 भाई थे, सभी लोग जानते हैं कौरव 100 है ना, क्यों आपने 5 का प्रयोग किया, 100 का प्रयोग किया, ये 5 क्या है, गणित ही तो है, 100 क्या है, गणित ही तो है ना। महाभारत का युद्ध कब हुआ था, लोग अनुमान लगाते हैं किसमें, गणित में ही तो ना। श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध कब किया था, लोग अनुमान लगाते हैं आज से कुछ साल पहले, ऐसा कुछ जोड़ते हैं, है ना, गणित में ही तो करते हैं। तो बस आप लोग समझ गए होंगे, ज्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करें, इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी होगा ऐसा लगता है कि गणित में ही हो रहा है। और एक बात जान लें, 21वीं शताब्दी तक भारत ने गणित के क्षेत्र में बहुत महारत हासिल किया है, 21वीं शताब्दी तक भारत ने गणित के क्षेत्र में बहुत महारत हासिल किया है, और ये गणित के क्षेत्र में विश्व गुरु है भारत। अब आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जितना गणित भारत में लोगों को आती है उतना किसी देश में लोगों को नहीं आती। और आगे अगर इसमें हम बात करें तो कुछ और भी टॉपिक अभी आपको दिखाएंगे, बस तुरंत देखिएगा। अब हम गणित के कुछ महत्वपूर्ण इतिहास के बारे में बात करते हैं कि गणित का कुछ मतलब आपको बताते हैं। पहले अभी हम आपको बताएंगे कुछ तिथियां और उनमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव या महत्वपूर्ण क्या हासिल हुआ। उसके पहले आपको बात करते हैं, सुनाते हैं, बताते हैं कि गणित के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे कि गणित को समझना, गणित को कई तरह से समझा जाता है, जिस तरह से बच्चों में खेल कूद और अन्य जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, जिज्ञासाएं मतलब इच्छाएं, उसी तरह से गणित को भी सिखाना चाहिए, बच्चों में गणित सीखने की इच्छाएं भी उसी तरह से जागृत होना चाहिए। और ये इस तरह से जागृत नहीं होंगी कि बच्चों को दे दो भाई बड़ा सा सवाल, चलो भाई जोड़ो, आप बच्चे इसको देख करके अगर आप ऐसे जोड़वाएंगे रात दिन रोज यही करवाएंगे तो उब जाएंगे, नहीं करेंगे, छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो। लेकिन अगर आप उसे कोई मनोरंजक चीज देते हैं गणित के रूप में तो उसे आराम से कर लेगा बच्चा। जैसे अगर आपने बना दिया ऐसे फेस, ठीक है, और ये देखिए मैंने बना दिया कितना फेस है, अब अगर आप बच्चे को बोलेंगे कि बच्चे गिनो भाई कितना है ये, तो वो गिन लेगा, 1 2 3 है। लेकिन अगर आप गिनती लिख दिए तो नहीं गिनेगा वो, क्यों, क्योंकि उसको इसमें मजा आएगा। तो गणित सीखने का कई तरीका होता है। अब अगर आपने यहाँ पर 3 फेस ड्रा कर दिया, नीचे 3 फेस कर दिया, अब अगर बच्चे से आप पूछेंगे कि चलिए बताइए कुल टोटल कितने हैं ये, तो वो बड़े आराम से गिन के बता देगा, 1 2 3 4 5। इसके अलावा गणित और तरह से भी सीखा जाता है, ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं, बच्चों के लिए छोटे जो गणित के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, ठीक ना।
गणित को आप रोजमर्रा यानी कि प्रतिदिन की जिंदगी में भी सीख सकते हैं। कैसे? जैसे अगर आपके यहाँ दूध बेचा जाता है या खरीदा जाता है, दोनों में से कुछ ना कुछ तो होता ही होगा, या फिर आप लोग पेट्रोल या डीजल लाते होंगे, या अपनी कार में, बाइक में, जो भी जिसके जो भी वाहन होगा उसमें डलवाते होंगे, है ना? तो उसका हिसाब भी तो आप लोग गणित में ही करते हैं ना, कि कितना लीटर पेट्रोल हमने अपनी कार में भरवाया या कितना लीटर पेट्रोल लिया, होता है ना? या फिर दूध के बारे में आप हिसाब करते होंगे कि भाई प्रतिदिन अगर हम 2 लीटर दूध ले रहे हैं तो महीने में कितना लीटर हो रहा है। इसमें आप मनोरंजक तरीके से गणित जोड़ सकते हैं, है ना? इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी क्रियाकलाप होते हैं जिसमें आप गणित का प्रयोग करके उसे आसान बना सकते हैं और गणित को समझ भी सकते हैं। जैसे पैटर्न के रूप में भी गणित होती है, इसे पहेलियां के रूप में भी खेला जा सकता है। देखिए, सब चीज में खेल होता है, कुछ खेल होते हैं जो आपके काम के होते हैं। जैसे आपने देखा होगा पेपर आता है, न्यूज पेपर आप लोग देखते होंगे, बड़े हो गए हैं फिलहाल, तो उसमें ऐसे एक बना होता है कालम ना, हिंदुस्तान वगैरह शायद होता है, सब में होता होगा, याद नहीं कुछ ज्यादा। देखिए ऐसे होता है ना, उसमें ऐसे कुछ नंबर दिया होता है, लिखा होता बूझो तो जाने, है ना? कुछ नंबर ऐसे दिया होता है, ऐसे कुछ दिया होता है, और कुछ उसमें भरना होता है कि अगर इधर से भी जोड़े तो उतना आए, इधर से जोड़े तो उतना आए, और इधर से जोड़े तब भी उतना आए। चारों तरफ से सीरियल सीधे सीधे पे जोड़ने पे वही समान अंक आना चाहिए। जैसे अगर इधर से मैंने सबको जोड़ा तो यहाँ 10 आया, वैसे अगर इधर से जोड़ू तब भी 10 आए, और इधर से जोड़ू तब भी 10 आए, इधर से जोड़ू ऐसे तब भी 10 आए, ऐसे उसमें करना होता है। इसमें भी गणित का खेल होता है, बहुत ही मनोरंजक होता है ये, आप लोग भी किया करें अगर न्यूज पेपर आता है तो। नहीं आता तो भाई मंगाया करें, ठीक ना? और यहाँ पर मैं गणित की बात कर रहा हूँ, लेकिन न्यूज पेपर भी आपको पढ़ना और न्यूज सुनना चाहिए, चाहे जरूरी नहीं पेपर से पढ़ें। आप बहुत से ऐसे मीडिया हैं, मोबाइल फोन में आप जब सॉन्ग खोजते हैं ना, जहां पढ़ाई करते हैं वहीं पर आप लाइव न्यूज सर्च कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस जिंदगी को चलाने के लिए अपने देश में, अपने अड़ोस पड़ोस में हो रही घटनाओं से परिचित होना जरूरी है, समझ रहे ना? जनरल नॉलेज सबसे बड़ा ज्ञान होता है, कहीं आप अच्छी बातों में देखे होंगे, सबसे बड़ा ज्ञान सामान्य ज्ञान। आपको सामान्य ज्ञान होना चाहिए, चाहे कुछ भी ना आए, अगर आपको सामान्य ज्ञान है तो आप हर जगह सम्मान के हकदार होंगे, समझ रहे ना? गणित आप कितना भी पढ़ लें लेकिन आपको जनरल नॉलेज नहीं है तो आप वैसे के वैसे रहेंगे, ठीक है ना? तो जनरल नॉलेज में क्या, आज हमारे देश में कौन सी योजनाएं लागू हो रही हैं, भारत का खाद्यान्न उत्पादन में कौन सा स्थान है, और भारत में कुल कितने राज्य हैं, यूपी में कुल कितने जिले हैं, बिहार में कुल कितने जिले हैं, महाराष्ट्र में कुल कितने जिले हैं, मतलब ये कुछ सामान्य जानकारियां। हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, हमारे देश का राष्ट्रपति कौन है ना? ये सब आपको मालूम होना चाहिए। विधानसभा का चुनाव कब हो रहा है, लोकसभा का चुनाव कब हो रहा है, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, तभी ये आप अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे, समझ रहे ना? अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। आज से बिल्कुल आपकी क्लास एकदम मस्त होगी, रिकॉर्डिंग रूम आपका चेंज हो चुका है, आप देख रहे होंगे बोर्ड पे कहीं भी कोई चमक दमक नहीं है और एकदम अच्छे तरीके से दिख रहा है ना? अगर कोई कंफ्यूजन है तो निसंकोच कमेंट करिएगा। तो आप लोग आज बताई गई सारी टॉपिक को समझ पाए होंगे। चलते चलते आपको बता दूं, अगर आप हर दिन क्लास करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर JOIN ज्वाइन लिख करके भेजें और क्लास ज्वाइन करें। आज से DLED सेकेंड सेमेस्टर की गणित का नया बैच शुरू हो चुका है, आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ें और फटाफट आगे बढ़ते चलें। अगर आप गणित के अलावा और भी हिंदी, अंग्रेजी, बाल विकास, मनोविज्ञान, पर्यावरण वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें अनएकेडमी पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, अनएकेडमी पर जाएं और देखें, खेल कूद मौज मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी करें। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से PBR स्टडी के फेसबुक पेज पर लाइक करें, मतलब फेसबुक पेज को लाइक करें यानी कि फॉलो करें, और आप ये क्लास जो यहाँ यूट्यूब पे देख रहे हैं ना, ये फेसबुक पर भी देख सकते हैं। अगर आप ये क्लास फेसबुक पर देख रहे हैं तो आपके आसपास वही लिंक दी गई होगी, वहां से विजिट करें। PBR स्टडी महासागर है एक प्रकार का, वहां पर आपको सब कंप्लीट कोर्स मिलेगा सब एग्जाम के लिए, ठीक है ना? डिस्क्रिप्शन में और भी सारी लिंक दी गई है, मैं यहाँ पर सारी बात नहीं कर सकता हूँ। आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, PBR स्टडी के 4 यूट्यूब चैनल हैं, PBR स्टडी ग्रुप, मैथ आसान है, और PBR स्टडी ब्लॉग, सभी को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आपका अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल PBR स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करके जाइएगा और लाइक अवश्य करिएगा। धन्यवाद।